SDE SUB एग्जाम 2023 चाहे हो BA वाले हो, BSc वाले हो, BCom वाले हो, सेकेंड ईयर वाले हो, फाइनल ईयर वाले हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस आपको प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको कहा था इस वजह से आपके एग्जाम डेट में चेंज होगा। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी कमेंट्स में ये भी कह रहे थे कि सर एग्जाम कंट्रोलर का जो रिस्पॉन्स है काफ़ी गंदा रिस्पॉन्स आ रहा है। देखना स्टूडेंट, मैंने भी जो एग्जाम कंट्रोलर थे आपके श्रीवास्तव जी, उनको 15 से लेकर 20 बार कॉल कर दी, उन्होंने कॉल पिकअप करना तो छोड़ो, यहाँ तक कि जो व्हाट्सएप में मैंने उनको मैसेज किया था उसका रिस्पॉन्स तक नहीं दिया है। और प्रीवियस वीडियो में एक कमेंट्स में पढ़ रहा था पेपर के रिगार्डिंग कि हो कह रहे थे कि सर जो एग्ज़ाम कंट्रोलर जी है हो रूटली बात कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी डेट चेंज नहीं होगी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता स्टूडेंट, ये यूनिवर्सिटी क्या काम करती है। आप यूनिवर्सिटी के हाल देखो, मैं पहले आपको बताता हूँ फिर बाद में डिस्कस करूँगा किसका सॉल्यूशन क्या है। लास्ट सॉल्यूशन है स्टूडेंट, अगर आपने अभी भी डेट पर चेंज करने के लिए ये वाला काम नहीं किया जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा, तो चाहे कुछ भी कर लो ये यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम डेट में चेंज नहीं करने वाली, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट, कल मैंने ये वाली वीडियोज डाली थी, शायद काफ़ी स्टूडेंट ने वो वीडियोज देखी भी होगी, जिसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट मई फर्स्ट सेकेंड वीक में तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के तो पेपर कंप्लीट हुए, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, और 16 जुलाई से इनका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है। तो आप सोच सकते हैं स्टूडेंट, एक डेढ़ महीने में कौन सा जो सेमेस्टर एग्जाम है, जो 6 महीने का पेपर होता है, सिलेबस होता है, वो डेढ़ महीने में कैसे कवर कर पाएंगे बच्चे, मुझे समझ में नहीं आता यूनिवर्सिटी के काम। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कल नोटिस बोर्ड में डाल दिया कि 16 जुलाई से आपके पेपर होंगे, और देख सकते हैं स्टूडेंट अभी एक से डेढ़ महीने में क्या बच्चा 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करेगा। और इस बार नई पॉलिसी यहाँ पे आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, जिसमें बच्चों को खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलम क्या होगा, कुछ भी समझ से परे है, लेकिन यूनिवर्सिटी का काम बस पेपर पे पेपर करवाना है। मतलब उन्हें बच्चों की कुछ भी नहीं देखनी है, आपकी प्रॉब्लम को नहीं देखनी है। आई होप आप समझ सकते हैं यूनिवर्सिटी के क्या काम है। मुझे कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, इस वीडियो के बाद मुझे कोई लोग हेट करे या मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा काम आपकी प्रॉब्लम को बयां करना है, यूनिवर्सिटी के जो काम है उनको आपको शो करना है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट, और साथ ही साथ इतना तो पता ही होगा यूनिवर्सिटी वालों को कि यार कम से कम हम अगर एग्ज़ाम डेट यहाँ पे बता रहे हैं तो कम से कम उसके बीच में कहीं बच्चों के पेपर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो चीज़ तो यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए। जब उन्हें पता है कि CUT PG के पेपर यहाँ पे, ये जो कैलेंडर स्टूडेंट काफ़ी पहले आ चुका है, जो आपकी जो डेट सीट है उससे भी काफ़ी पहले आ चुका है, फिक्स यहाँ पे डेट है कि 5 जून से लेकर 12 जून में जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है, काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने BEd का भी फॉर्म भरा होगा, MA का भी फॉर्म भरा होगा, MSc का फॉर्म भी भरा होगा, तो यहाँ पे आप डेट देख रहे हैं 5 से लेकर 12 जून के बीच पेपर है, तो एटलीस्ट यूनिवर्सिटी को पता होना चाहिए कि यार इतने से कितने के बीच में पेपर होंगे, बच्चों को पेपर भी देना है, उनके एंट्रेंस एग्जाम है, तो क्यों ना हम इस जो डेट सीट है उसमें चेंजेस करें। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अभी तक कुछ भी डेट सीट में चेंजेस नहीं किया है। ये आखिरी मौका स्टूडेंट, मैं आपको 3 रास्ता यहाँ पे आपको बताता हूँ। पहला जो रास्ता है जो मुझे लगता है ना के बराबर, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो नंबर है एग्ज़ाम कंट्रोलर का, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ स्टूडेंट वीडियो के स्टार्टिंग में, मैंने 10 से लेकर 15 बार कॉल कर दी, कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं देते, ये यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या समझते अपने आप को, इतना गुस्सा आता है कसम से, बोल मतलब क्या बोलूँ इनके लिए। पहला रास्ता तो ये हो गया, अगर ये रास्ता भी आपका फेल हो जाता है, यहाँ पे भी ये मना कर लेते कि हम कुछ नहीं करेंगे डेट चेंज जो है वो है, तो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा स्टूडेंट, CM हेल्पलाइन नंबर, जितनी ज़्यादा क्वेरी यहाँ पे CM हेल्पलाइन नंबर पे होगी उतना प्रेशर यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे पड़ेगा। अगर इससे भी आपका काम नहीं बनता तो लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन ये स्टूडेंट, जो आपके छात्र नेता है, जितने भी आप जिस भी पर्टिकुलर कॉलेजेस में आप पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर आपको सच में यहाँ पे CUT का पेपर देना है, अपने पैसे को बचाना है, अपने करियर को बचाना है, तो आपको अपने हक के लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा, आपको कॉलेजेस में इसके लिए हंगामा करना पड़ेगा, देन तभी यूनिवर्सिटी के यहाँ पे आंखें खुलेंगे। ये हाल यहीं की नहीं स्टूडेंट, जब मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं BEd सेकेंड ईयर, रिसेंटली मेरा जब BEd सेकेंड ईयर हुआ था, हमारा जो एफिलेशन था वो यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं आया था, जब हमने खुद हक के लिए लड़ाई की, हंगामा किया, तब जाके यूनिवर्सिटी की आंखें खुली, तब जाके उन्होंने यहाँ पे पैनल बैठाया। तो इसी प्रकार आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा स्टूडेंट। ये आखिरी वीडियो थी स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग। अब अगर आपने डेट में कुछ भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं की तो 25 तारीख से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके बाद डेट चेंज होगी कि नहीं होगी हो भगवान के भरोसे होगा। आई होप आप तमाम छात्र छात्राओं को मैंने सारी जो सॉल्यूशन है वो मैंने बता दिया है। अनदर क्वेरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अपडेट विद नब्बू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।